उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत हसमाना ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन के पास ना तो संसाधन है ना ही कर्मी जो इन हालातों से निपट पाए। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते सुधार नहीं हुआ तो वह सीएम आवास के बाहर उपवास पर बैठेंगे। 7 दिन का समय पर्याप्त होता है। मुख्यमंत्री जी चाहें तो अभी फोन करके वित्त सचिव को जो सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए पैसा चाहिए, जो वहां पर स्टाफ चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, उसके लिए वो आदेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी एक सप्ताह में इस काम को करें, वरना देहरादून की और हमारे अगल बगल के जनपदों की गरीब जनता की पीड़ा के लिए मुझे मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने उपवास पे बैठना पड़ेगा।